हेलो स्टूडेंट, मैं सूर्य प्रकाश प्रवक्ता भौतिकी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़ से। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम अप्लाइड फिजिक्स विषय कोड 102 के कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन को जो है वो सोल्व करेंगे। मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है अब आने वाले जो आपके एग्ज़ाम रहेंगे उसका पेपर का पैटर्न जो है वो चेंज हो चुका है। उस पेपर के पैटर्न में 30 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू रहेंगे, तो उस पर आप ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि 30 नंबर जो है वो लाना बड़ा आसान है। तो उसके लिए हम किस तरह से क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे, किस तरह से उसको सोल्व करेंगे अप्लाइड फिजिक्स में, वो इस वीडियो में आज हम सीखेंगे। तो ये जो है मेरी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो उस पर एक सीरीज़ रहेगी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर। तो आप हर दिन जो है इस अलग अलग जो आज के पार्ट हैं उसको आप सोल्व करते रहिए, ठीक है। आज जो मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ले रहा हूँ, इसमें जो एमसीक्यू क्वेश्चन जो रहेंगे वो एमसीक्यू क्वेश्चंस जितने इस वीडियो में कवर हो जाएंगे, उसके आगे के जो क्वेश्चंस है वो आगे वाले नेक्स्ट जो वीडियो रहेंगे उसमें मैं कवर करता रहूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके यूनिट फर्स्ट यानी कि यूनिट एंड डायमेंशन वाला जो चैप्टर है उससे रहेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपके प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो आपको ये पता होना चाहिए प्रकाश वर्ष जो है वो किसका मात्रक होता है, दूरी का मात्रक होता है। और अगर इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो ये होती है कि प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई जो दूरी होती है उसे अपन क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तीसरा। कन्फ्यूज़ नहीं होना, इसमें वर्ष लिखा है तो मैक्सिमम जो होगा आप कन्फ्यूज़ हो गए, इसको समय का मात्रक बता देंगे, जबकि ये किसका होता है, दूरी का मात्रक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी इकाई लंबाई की नहीं है, ठीक है। तो पारसेक जो है वो लंबाई की इकाई होती है, ये आपको याद रखना है। प्रकाश वर्ष अभी अपन ऊपर देखा था, ये भी लंबाई की होती है। अंगस्ट्रोम आप जब ये अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें अंगस्ट्रोम में लेते हैं दूरियों को, यानी कि 10^-10 मीटर, तो वो भी दूरी लंबाई की इकाई होती है। उसके बाद में नैनो सिर्फ एक नंबर है, 10^-9, ये एक नंबर है ये, क्योंकि जब इसके आगे मीटर या किलोग्राम कुछ लगेगा तो उसके अकॉर्डिंग फिर ये भौतिक राशि बनती है। नैनो जो है वो सिर्फ एक नंबर है, तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन जो है वो आपका इसमें आंसर हो जाएगा। थर्ड है, निम्न में से कौन सा मात्रक वोट के तुल्य नहीं है, इसको मुझे आपको सोल्व करके बताना पड़ेगा। तो आप इसमें देखिए, जो शक्ति होती है वो होता है कार्य बटा समय, ठीक है। तो वोट बराबर शक्ति किसमें, जो अभी अपने क्वेश्चन में वोट आ रहा है, तो वोट किसका मात्रक है, वो शक्ति का मात्रक है। तो वोट बराबर हो गया हमारे फॉर्मूले के हिसाब से जूल बटा सेकंड, ठीक है। इसमें मैंने समय लिखा है, उसकी जगह आप सेकंड कर लीजिए, क्योंकि समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो जूल बटा सेकंड, तो जूल बटा सेकंड जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। जो फर्स्ट ऑप्शन, इसका मतलब ये तो होगा सही होगा। नेक्स्ट में फिर अपन चलते हैं आगे वाले में, वोल्ट दे रखा है और एम्पियर दे रखा है, तो वोल्ट और एम्पियर ये किस में होते हैं, ये होते हैं विद्युत परिपथ में। तो विद्युत परिपथ में शक्ति का मात्रक क्या हो जाता है, विद्युत परिपथ में शक्ति का मात्रक होता है, फॉर्मूला जो होता है वो होता है पी बराबर वी इंटू आई। तो वी इंटू आई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वोल्ट इंटू एम्पियर। तो सेकेंड ऑप्शन आपके क्या है, वोल्ट इंटू एम्पियर, तो वो भी सही है। फिर आते हैं नेक्स्ट में, वोल्ट को मैं क्या करता हूँ, वी बराबर आई आर वाले फॉर्मूले से सोल्व करता हूँ, और V की जगह रख देता हूँ आई आर, तो उससे मेरा इक्वेशन बनेगी वो हो जाएगी आई स्क्वायर आर। तो आई स्क्वायर आर की अगर मैं वीमा लिख मात्रक लिखूँगा तो क्या हो जाएगा, एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन भी जो है आपका वो सही है, एम्पियर इंटू ओम। फोर्थ ऑप्शन जो है वो है एम्पियर बटा वोल्ट, वो आपका गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, एम्पियर अपॉन वोल्ट, यानी कि फोर्थ जो है वो इसका आंसर होगा। फिर है, निम्न में से किन भौतिक राशियों का युग्म एक ही इकाई को प्रदर्शित करता है, ठीक है, यानी कि सेम चीज़ होगी दोनों। तो पहला है उष्मा और ताप, ठीक है। तो उष्मा और ताप जो है वो दोनों अलग अलग चीज़ होगी। उष्मा का मतलब तो क्या है, एक ऊर्जा है, हीट देना जो है ना, ऊर्जा है। जबकि ताप का मतलब क्या है, ताप ये बताता है कि उष्मा किस तरह प्रवाह करेगी। तो उष्मा के प्रवाह को कौन दर्शाता है, ताप। जैसे कि क्या होता है, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर उष्मा प्रवाहित करती है, ठीक है। तो ताप और उष्मा दोनों अलग अलग होती है। मात्रक भी देख सकते हो, ताप का केल्विन में होता है और उष्मा का किस में होता है, कैलोरी में होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं तापमान और मोल, ये दोनों वैसे ही अलग है। तापमान अपन केल्विन में निकालते हैं, सेल्सियस में निकालते हैं, और मोल किसका मात्रक होता है, ये होता है पदार्थ की मात्रा का, दोनों अलग अलग हैं। उष्मा और कार्य, ये समझिए आप, उष्मा और कार्य दोनों क्या है, एक चीज़ है। कैसे, क्योंकि उष्मा एक ऊर्जा का रूप है और कार्य भी क्या है, ऊर्जा के तुल्य होती है,
ऊर्जा और कार्य दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के तुल्य होते हैं। तो ऊष्मा और कार्य भी क्या होंगे, एक दूसरे के तुल्य, तो ये दोनों समान होंगे, सेम इकाई को प्रदर्शित करते हैं। अब इसको एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कैसे, कि सपोज करिए आप जैसे सर्दियों में करते ही हो आप सपोज, तो क्या करना है सर्दियों में आप क्या करते हो, जब हाथ आपके ठंडे होते हैं तो उनको क्या करते हो, एक दूसरे पर रब करते हो, है ना, एक दूसरे पर रगड़ते हो ना, तो रगड़ने से आप क्या कर रहे हो वहाँ पे, कार्य कर रहे हो, और कार्य करने से उस क्या पैदा हो रही है वहाँ पे, जो है ऊर्जा या ऊष्मा पैदा हो रही है। ठीक है, तो कार्य से ऊष्मा पैदा करी आपने, कार्य से ऊष्मा पैदा करी, इसका मतलब वो क्या हो गया वहाँ पे, दोनों तुल्य ही हैं। ठीक है, कन्वर्जन हुआ है वहाँ पे। नेक्स्ट है विशिष्ट ऊष्मा और ऊष्मा। ठीक है, तो विशिष्ट ऊष्मा और ऊष्मा दोनों एक दूसरे से अलग अलग है। विशिष्ट ऊष्मा का मतलब क्या होता है कि पदार्थ के जो तापमान है उसको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा जो होती है उसको, और ये ऊष्मा ये जनरलाइज है, तो इसका मतलब हमारा सेम कौन सी चीज़ें प्रदर्शित कर रहा है, ऊष्मा और कार्य। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन, क्वेश्चन 5। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूले बहुत सारे याद होना ज़रूरी है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सुमेखलित करना यानी कि कुल मिला के आपको उसका मात्रक बनाना है, जो उस सेकंड वाला जो हमारा है, ये जो 1, 2, 3, 4 में जो है उस टाइप के आपको मात्रक बनाने हैं। तो जब इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हमें ये ऑप्शन जो दे रखे हैं 1, 2, 3, 4 इनको देखते हुए सॉल्यूशन करते जाना है। ठीक है, तो पहला है धारिता, तो धारिता क्या होती है, क्यू इंटू सी वी। ठीक है, तो सी बराबर क्या हो गया, क्यू अपॉन वी, तो धारिता हो गई हमारे पास कूलम अपॉन वोल्टेज। ठीक है, धारिता क्या होगी, कूलम अपॉन वोल्टेज, तो जूल बराबर हो गया, सॉरी अब इसमें क्या है कि धारिता जो है वो है कूलम अपॉन वोल्टेज। आप अगर उधर ऑप्शन देखेंगे तो उसमें कूलम अपॉन वोल्टेज आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब इसको आगे सोल्व करना पड़ेगा। अब आगे सोल्व करने के लिए हमें क्या करना है, क्योंकि उसमें जूल आ रहा है, उन जो ऑप्शन है उसमें क्या आ रहा है, जूल आ रहा है ना, तो अपन क्या करते हैं इस वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करते हैं। तो वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला, कार्य बराबर होता है आवेश इंटू विभवांतर, तो डब्ल्यू बराबर क्यू इंटू वी। ठीक है, तो जूल बराबर हो गया कूलम इंटू वोल्टेज, तो इसमें से यहाँ पर क्या करते हैं, वोल्टेज बराबर निकाल लेते हैं, तो वो हो जाएगा जूल बटा कूलम, और इस वोल्टेज को यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, तो धारिता बराबर हो गया कूलम स्क्वायर अपॉन जूल, ये आपका फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, इसी तरह से आगे आते हैं, इधर बी है चुंबकीय प्रेरण, तो चुंबकीय प्रेरण जो होता है उसके लिए मैं लेता हूँ फैराडे का जो अपना नियम है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो फैराडे का नियम क्या होता है, फैराडे का नियम होता है कि विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन बराबर होता है डी फाई अपॉन डी टी, और फाई को हम क्या लिखते हैं, फाई होता है बी इंटू ए। ठीक है, तो फाई की जगह मैंने लिख दिया बी इंटू ए। फिर आगे क्या किया, इसको सोल्व किया, तो विद्युत वाहक बल जो होता है वो किस में होता है, वो होता है वोल्ट में, तो हो गया वोल्ट बराबर बी इंटू एरिया हो गया मीटर स्क्वायर में, और समय किस में आ जाएगा, स्मॉल डी टी जो लिखा है ना, स्मॉल समय, वो हो जाएगा सेकेंड में। इस तरह से अपन इससे बी बनाएंगे, तो बी बराबर हो जाएगा वोल्ट इंटू सेकेंड बटा मीटर स्क्वायर, और बराबर में आ जाएगा, अब देखिए हाँ यहाँ से देखिए अब कि वोल्ट इंटू सेकेंड बटा मीटर स्क्वायर। अब आप उधर देखिए वोल्ट इंटू मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर कहीं दिख रहा है क्या आपको, तो वोल्ट इंटू मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर कहीं नहीं आ रहा, तो इसका मतलब आगे और सोल्व करना पड़ेगा इसको। तो आगे सोल्व करने के लिए वोल्ट को यहाँ से हटाते हैं, और फिर से जो मैंने फर्स्ट वाले जो अपना ये सोल्यूशन किया था उसी को यूज करता हूं, कि जो वोल्ट बराबर क्या होता है, जूल बटा कूलम, तो मैंने यहाँ से लिख दिया जूल बटा कूलम। ठीक है, तो जूल इंटू सेकंड बटा कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर, ये आ रहा क्या उधर, ये भी उधर नहीं आ रहा, तो अब क्या करना पड़ेगा अपने को, फिर आगे इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो जूल को मैं क्या करता हूँ, फिर से न्यूटन में लिखता हूँ, यानी कि बल की फॉर्म में लिखता हूँ कार्य को, तो कार्य को बल की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कि जूल बराबर होता है न्यूटन इंटू मीटर, तो यहाँ मैंने न्यूटन इंटू मीटर रखा, तो एक मीटर से एक मीटर कैंसिल हो गया, ऊपर वाले मीटर से एक नीचे वाला मीटर कैंसिल हो गया, तो फिर बना न्यूटन सेकंड अपॉन कूलम मीटर, तो न्यूटन सेकंड अपॉन कूलम मीटर भी उधर कहीं नहीं है, उधर है न्यूटन और उसमें एम्पियर आ रहा है, और यहाँ अपने पास इस फॉर्मूले में क्या आ रहा है, कूलम आ रहा है, तो कूलम को अपन यहाँ से फिर रिप्लेस करते हैं, तो कूलम को रिप्लेस करेंगे तो कूलम क्या हो जाएगा, कूलम बराबर होता है एम्पियर इंटू सेकंड, तो कूलम को जैसे ही मैं यहाँ पे एम्पियर इंटू सेकंड लिखूंगा, सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट, तो हमारे पास जो चुंबकीय प्रेरण है उसका मात्रक बन जाएगा न्यूटन एम्पियर इन्वर्स और मीटर इन्वर्स। ठीक है, ये थर्ड ऑप्शन आपके आ रहा है, तो इस तरह से आपको सोल्व करना आना चाहिए, ये फॉर्मूले पता होने चाहिए किसको किस में कन्वर्ट कैसे करना है। ठीक है, फिर आते हैं सी में, सी है अपने पास प्रेरकत्व एल, तो प्रेरकत्व एल के लिए आपको पता है कि फाई बराबर होता है एल आई, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स बराबर होता है एल इंटू आई। फिर इधर से उसी में चलते हैं अपन अपने फैराडे के नियम में, तो फाई बराबर हो गया डी फाई अपॉन डी टी, और फाई की जगह मैं लिख दूंगा यहाँ पे एल आई,
ठीक है, तो यहाँ से एल बन जाएगा मेरा एप्सिलॉन अपॉन डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, तो एप्सिलॉन किस में आता है, विद्युत वाहक बल वोल्ट में, डी आई स्मॉल करंट, करंट होती है एम्पियर में, और समय ऊपर चला जाएगा सेकंड में। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा वोल्ट इंटू सेकेंड बटा एम्पियर, ये सेकेंड ऑप्शन में आ रहा है। फिर आते हैं प्रतिरोध, ये तो बड़ा सिंपल सा है, ओम के नियम से प्रतिरोध बराबर हो जाएगा वी अपॉन आई, वी यानी कि विभवांतर को अपन किस में नापते हैं, वोल्ट में, करंट हो गई एम्पियर में, तो ये हो गया वोल्ट अपॉन एम्पियर, फर्स्ट ऑप्शन अपना। ठीक है, ये फाइव जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन जो लेंथी क्वेश्चन आएगा उसमें हालांकि लेंथी ज़रूर है, पर अगर आपको फॉर्मूले पता है तो आप इन क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि को उसकी उचित राशि द्वारा व्यक्त नहीं किया गया है। तो उचित राशि द्वारा व्यक्त नहीं किया गया तो आपको क्या करना, फॉर्मूले याद होने चाहिए। पहला है बल आघूर्ण, बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल इंटू जिस अक्ष के सापेक्ष बल घूम रहा है उसकी लंबवत दूरी। ठीक है, तो क्या हो गया, बल इंटू दूरी, तो यानी कि न्यूटन मीटर तो आ रहा है इसमें, इस पहला सही है। दूसरे पे चलिए प्रतिबल, प्रतिबल क्या होता है, वो होता है बल बटा क्षेत्रफल, तो बल का क्या हुआ न्यूटन बटा क्षेत्रफल क्या हुआ मीटर स्क्वायर, तो हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी सही है। तीसरा आ रहा प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक का मतलब क्या है कि प्रतिबल बटा विकृति, विकृति की विमा क्या होती है, डायमेंशन लेस, कोई विमा नहीं होती है। ठीक है, उसकी कोई मात्रक नहीं होता है, तो वो बन जाएगा हमारे पास प्रतिबल का जो मात्रक होगा वही प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक हो जाएगा, और प्रतिबल का क्या होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये भी सही है। फोर्थ में आते हैं पृष्ठ तनाव, अब इसकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए। तो पृष्ठ तनाव क्या होता है कि तरल के खुले पृष्ठ पर काल्पनिक, जो अपन रेखा खींचते हैं उस काल्पनिक रेखा पर प्रति एकांक लंबाई में लगने वाला बल, इस लास्ट जो वर्ड है ना उस पर ध्यान दो, प्रति एकांक लंबाई में बल, तो इसका मतलब क्या हुआ बल बटा लंबाई, तो बल बटा लंबाई मतलब न्यूटन अपॉन मीटर, जबकि यहाँ क्या आ रहा है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर आ रहा, तो इसका मतलब ये फोर्थ ऑप्शन अपना गलत है। नेक्स्ट में एसआई पद्धति में दाब का मात्रक, तो एसआई पद्धति में दाब का मात्रक क्या होता है, वो सिंपल सा है, एसआई पद्धति में दाब का मात्रक होता है पास्कल, जिसको अपन क्या बोलते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं पास्कल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मात्रक है, तो न्यूटन किस, न्यूटन का क्या हो गया बल, मीटर स्क्वायर क्या हो गया एरिया यानी कि क्षेत्रफल, तो बल बटा क्षेत्रफल क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है दाब होता है, तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर नाइन, क्वेश्चन नंबर नाइन है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, तो ये सिंपल सिंपल है, विशिष्ट प्रतिरोध का होता है ओम सेमी। ठीक है, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है, सात मूल मात्रक होते हैं एसआई पद्धति में, कौन कौन से होते हैं सात ये पता होना चाहिए आपको, होता है द्रव्यमान, लंबाई, समय, एम्पियर, पदार्थ की मात्रा और प्रकाश की तीव्रता, ताप। ठीक है, ये सात मात्रक जो होते हैं वो मूल मात्रक होते हैं, बाकी जितने भी मात्रक होते हैं इन सात मात्रकों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। ठीक है, तो दाब को किस में निकालते हो, दाब को बेरोमीटर में निकालते हो, फिर सही है। अपेक्षिक घनत्व तो पायरोमीटर, ये गलत है। तापक्रम किससे मापते हो, तापमापी से। भूकंप किस में नापते हो, सिस्मोग्राफ से, तो इसका मतलब सेकंड जो है आपका वो सीधा सीधा गलत हो जाएगा इसमें। फिर बारहवां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म युत्पन्न मात्रक। अब देखो युत्पन्न मात्रक क्या है, वो जो ऊपर वाले सात मात्रक मैंने बताए थे ना उसके अलावा सारे के सारे कौन से होते हैं युत्पन्न मात्रक होते हैं। तो द्रव्यमान अपना मूल मात्रक है, लंबाई मूल मात्रक है, समय भी क्या है मूल मात्रक है, लेकिन आयतन, आयतन क्या है, आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी कि लंबाई इंटू लंबाई इंटू लंबाई कह सकते हैं ना, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो वो किससे बना है मूल मात्रक से बना है। ठीक है, और इसमें तीन बार जो है वो मूल मात्रक आ रहा है, तो इसका मतलब आयतन क्या है युत्पन्न मात्रक है, तो ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा इसके अंदर। फिर 13 क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन है वो है निम्न में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। ठीक है, इसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में अगर देखूं तो उसमें आ रहा न्यूटन, तो पहले तो मुझे विद्युत क्षेत्र को बल में कन्वर्ट करके फॉर्मूला बनाना है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा बल में कन्वर्ट करके, ये देखिए आप, ई बराबर होता है एफ अपॉन क्यू, पढ़ रखा है आपने,
ठीक है, तो एफ ऑफ वन क्यू हुआ, तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ को निकालते हैं न्यूटन में और क्यू को निकालते हैं आवेश को कूलाम में, तो न्यूटन पर कूलाम ये फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन में आ रहा है वी यानी कि वोल्टेज, तो अब मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, वोल्टेज वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है, तो विद्युत क्षेत्र बराबर क्या होता है, विभवांतर बटा दूरी, तो वी बाई एम, तो हो गया वोल्टेज पर मीटर, तो वोल्टेज पर मीटर ये सेकेंड ये भी आ रहा है। तीसरे में आप देखिए आ रहा है जूल, ठीक है, अब इसको मुझे जूल में कन्वर्ट करना है, तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँ, जो फर्स्ट वाला जो मैंने निकाला था कि ई बराबर क्या है एफ अपॉन क्यू, तो वो था न्यूटन पर कूलाम, अब इस एफ को मैं क्या करता हूँ कार्य में कन्वर्ट करता हूँ, यानी बल को कार्य में कन्वर्ट करूँगा, तो मुझे क्या मिलेगा वहाँ पे कि कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, कार्य बराबर क्या होता है बल इंटू विस्थापन, तो बल बराबर क्या हो गया कार्य बटा विस्थापन, ठीक है। तो मैंने जैसे ही यहाँ पे जूल बटा मीटर करूँगा तो मेरे पास ये मुझे फोर्थ ऑप्शन मिल जाएगा कि जो विद्युत क्षेत्र है उसका एक नया मात्रक बन गया जूल अपॉन मीटर और कूलाम, ठीक है। तो आप इसको फोर्थ ऑप्शन में देखेंगे तो फोर्थ मिलेगा, इसका मतलब जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका गलत है, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट इस वीडियो में अपन ने 13 क्वेश्चन सोल्व किए हैं, आगे आने वाले वीडियो में इसके आगे वाले क्वेश्चन जो हैं वो सोल्व करेंगे, आप इन सब की प्रैक्टिस करें, और भी अगर क्वेश्चन आपके पास हो तो उनकी प्रैक्टिस करें, ठीक है, थैंक यू।